द लैंड मार्केट जब हम लैंड मार्केट की बात करते हैं तो इसका एक आप कह लें बड़ा यूनिक सा करेक्टरिस्टिक्स है कि दिस इज दार्केट वेयर वॉल्यूम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड इज लो रिलेटिव तो स्टॉक ऑफ द लैंड और अगर हम ये बात डिस्कस करें विध रेफरेंस टू तो डेवलपिंग कंट्रीज तो यहां पर जो लैंड ओनरशिप है दैट इज वेरी हाईली कंसनट्रेटेड क्या प्लेटिन अमेरिका में आप कह लें यह की वैल्यू है अराउंड पॉइंट एट एशिया में इसकी वैल्यू अराउंड पॉइंट

तो यहां पे आपकी लैंड इज नॉट यूज एफिशिएंटली और जब वो एफिशिएंटली यूज नहीं होगी तो इट हैज इम्प्लीकेशन ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट और यहां पे आप कह लें लार्ज एरियाज ऑफ लैंड मे नॉट बी फुली यूटिलाइज और जब वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे तो फूड प्रोडक्शन इज वेल बिलो टू इट्स पोटेंशियल जब हम स्मॉल फार्म के रेफरेंस में बात करें तो जो आपके पास इंडिया के रेफरेंस में अगर मैं ये सारी डिस्कशन करूं तो वो मुझे इंडिकेट करता है

लेकिन जनरली क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि आपकी सेल इज नॉट फ्रॉम द रिच टू द पुअर बट इट इज फ्रॉम द पुअर टू रिच कि जो आपके पुअर हैं जो आपके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर्स हैं दे आर बेसिकली सेलिंग देयर देयर लैंड टू दैंड लॉर्ड टू मीट देयर नीड्स जो आपके रिच हैं या जो बड़े आपके पास बड़े लैंड लॉर्ड हैं दे आर नॉट सेलिंग द लैंड टू द पुअर अब इस चीज को टैकल करने के लिए क्या चाहिए रिफॉर्म्स। जब आप लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हो तो अंडर लैंड रिफॉर्म्स लैंड इज ट्रांसफर लैंड ओनर्स या आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ लार्ज टू स्मॉल फार्मर्स कैन कैरी आउट लैंड रिफॉर्मसिंग लैंड फ्राम लैंड ओनर्स टू टेनर के जो भी वहाँ पे टेनर्ट्स हैं जो भी वहाँ पे कल्टिवेशन कर रहे हैं वो लैंड लैंड ओनर उन टेनेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए एक सेकंड क्या हो सकती है लैंड रिफॉर्म कि जो आपके पास लार्ज स्टेट्स ऑफ द लैंड है लैंड इज ट्रांसफर टू स्मॉल फार्मर्स और ये आप कह लें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल चेंज है जिसमें आप प्रॉपर्टी राइट्स कन्फर कर रहे हो टू टू कल्टीवेटर्स ऑफ द लैंड और जब आप उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दे दोगे कल्टीवेटर्स को फॉर दूजेज यूज ऑफ देयर लैंड तो इट आल्सो मोटिवेट एंड इट आल्सो मोटिवेट देयर प्रोडक्शन इट आल्सो मोटिवेट दैम टू प्रोड्यूस मोर और ये जो आप कह लें मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ इन फैक्ट दे बेसिकली चेंज द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर क्या जी ट्रेडिशनल फार्मिंग से वो रिस्क लेने वाली स्टेज पर चले जाएंगे जब आप यूजली हम क्या कहते हैं

Land होंगे. जब आप टेनेंट्स की बात करते हो तो लैंड लॉर्ड फॉर राइट टू कल्टिवेट और वो क्या करेंगे owners, 100 अब पे आपके पास शेयर क्रॉपर्स भी होते हैं के हुड इज ओन बाई लैंड ओनर लेकिन वो क्या करेंगे आउटपुट With landlord on arranged percentage. आप जो कह लें एक में ठेके पे जमीन ली और उस के अगेंस्ट क्या है लैंड ओनर और दूसरे में क्या है जी जो भी होगी, उस प्रोडक्शन में जो भी जिसने भी ठेके पे लिए वो एक परसेंटेज लैंड ओनर को भी देगा और एक परसेंटेज अपने पास भी रखेगा और जब ये हम शेयर ऑफ द आउटपुट की बात करते हैं तो यूजली ये शेयर ऑफ ओनर Share, जो शेयरिंग ऑफ आउटपुट है इट इज यूजली बेस्ड ऑन फिफ्टी फिफ्टी बेसिस कि आधा आपका लैंड लॉड रख लेगा लैंड ऑनर रखेगा और आधा जो बंदा वहां पे जमीन कल्टीवेट कर रहा है उसको ट्रांसफर हो जाएगा अब जो अगर हम एक कंपैरिजन करें अबाउट द प्रोडक्टिविटी तो जो लैंड प्रोडक्टिविटी है जो टेनेंट ऑन कर रहे हैं दैट इज हायर देन द शेयर क्रॉपर या शेयर क्रॉपर्स से अगर मैं कंपैरिजन करूं

तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा इट विल बिकम एक्सपेंसिव देन द शेयर क्रॉपिंग जब हम शेयर क्रॉपिंग की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपिंग आपकी जो कॉस्ट है लैंड लैंड ओनर्स के लिए ये रिड्यूस हो जाती है पैटर्न पे जब हम बात करते हैं कि इट ऑल्सो रिड्यूस रिस्क फॉर शेयर क्रॉपर कि शेयर क्रॉपिंग इज बेनिफिशियल बोथ फॉर द लैंड ओनर्स एंड द शेयर क्रॉपर लेकिन जो शेयर क्रॉपिंग में आप कह लें इनएफिशंसीज हैं these efficiency inefficiencies can be improved by giving greater share to the share cropper ke jab aap share cropper ko incentivize karoge ke more output will be will be taken by you to wo kya karega he, he will put more effort in the production process कि जब हम अब अगर मैं सारे को अगर एक समराइज सी फॉर्म में बात करूं कि लैंड मार्केट में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दी कल्टिवेशन एक तो टेनेंट कल्टिवेशन होगी जिसमें जो आपका कल्टिवेटर है ही पे अ अटन रेंट टू द लैंड ओनर एंड टेक होल ऑफ हिज होल होल ऑफ द आउटपुट हिमसेल्फ दूसरा क्या होगा शेयर क्रॉपर होगा शेयर क्रॉपर में क्या होगा कि आउटपुट विल बी शेयर बिटवीन शेयर क्रॉपर एंड लैंड ओनर और जो मेरे पास एक थर्ड कैटेगरी होगी वहां पे हो क्या होगा कि इट माइट बी पॉसिबल लैंड इज कल्टिवेटेड बाई लैंड ओनर्स हिमसेल्फ लेकिन जो आपके रिटर्न हैं वो डिपेंड करेंगे ऑन द मैथड ऑफ ऑन द मोड ऑफ कल्टिवेशन वो टीनेंसी के अंदर है वो शेयर क्रॉपिंग के अंदर है या ऑन कल्टिवेशन लैंड लॉड्स के लिए जो ऑन कल्टिवेशन है दैट इज यूजअली एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू शेयर क्रॉपिंग